अरे आपका तो जो है कुछ अता पता ही नहीं पड़ा। हमने आपको इतना बड़ा काम सौंपा था कि आप ये बताएंगे कि क्या है, जो इंडस्ट्रीज आपने सोची हुई है। पहले हाँ, मैं थोड़ा एक से चीज समस्या समझ में लो आप। एक देखो, जी पहले जी से एक चीज बताइए समझना पड़ेगी आपको, वो जी। ये कि मैथिलीसन ग्रुप से आप रेसिडुअल एनर्जी से काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जो टारगेट तय किया है कि हम इस देश का फेस एंड पेट बदलेंगे, तो रेसिडुअल एनर्जी से किसी देश का फेस एंड पेट नहीं बदला जा सकता। किसी से? तो हम ये कह रहे हैं बची हुई एनर्जी से, एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर एक्टिविटी से किसी देश का भविष्य नहीं बदला जा सकता। बराबर है, उसमें जो है ना, लगने वाले लोगों को पागलों के तहत पूरी एनर्जी के साथ भिड़ना पड़ेगा। उनके जरूरी नहीं है कि उनके एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहे, हमें उन एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए अपनी मॉडस ऑपरेंडी को, अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करके वी हैव टू सक्सीड। राइट, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो जिस व्यवस्था को आपने अडॉप्ट किया है, ये अंग्रेजों की व्यवस्था है। राइट, ये अंग्रेजों के नियम कानून है, सभी लागू हो रहे हैं। तो केवल जो है गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज बदल गए हैं, और कोई फर्क नहीं हुआ है। उस समय जो विभाग पैदा किए गए थे, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वो भय के पैदा करने के लिए किए गए थे। उनको डायरेक्शन क्या था कि भैया तुम चाहे टैक्स कलेक्ट करो चाहे ना करो, भय पैदा करो, कूड़े मारो, ठीक है ना, मारो, तुम, टैक्स लो। हाँ, तुम जो है ना इंडियन इकोनॉमी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, जिससे उनकी डिपेंडेंसी जो है अगर उन पर बढ़े, तो जिससे कभी तो उनका माल सप्लाई जो है यहाँ तक कर पाएंगे इंडिया में। बराबर है, तो यदि हम उस तरीके से काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे? नहीं सर, क्या है, काम जो करना है, काम को करने के लिए मेरा कहना एक जो जो पूरा आउटलाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहाँ पर नहीं, आप तो भूल जाओ। देखो, आप तो भूल जाओ, आप केवल ये याद रखो कि आप क्या चाह रहे हो। राइट, अच्छा राइट, उसको जमीन तो उतारने की जिम्मेवारी आपकी है ही नहीं, उसकी जमीन तो उतारने की जिम्मेवारी मैथिलीसन ग्रुप की होगी। समझिए, उसके लिए क्या संसाधन चाहिए, किस मॉडल से आना है, जो कॉस्मोस हमको मॉडल दे रहा है उसके तहत अपन करेंगे। राइट राइट, और हम सामने वाले को ज्ञान नहीं बांटेंगे, उसके पार्टनर बनेंगे। राइट राइट, बिल्कुल, चाहे उसको धन चाहिए हो, चाहे जो ना उसको मशीनरी चाहिए हो, चाहे इक्विपमेंट चाहिए हो, चाहे लेबर चाहिए होगा, वो सीएफवी ट्रेन करके उनको अवेलेबल कराएगी। तो जितनी भी समस्याएं हैं वो क्राइम फ्री भारत की है। राइट, बिल्कुल, सामने वाले को तो सिर्फ जोड़ के जमीन पे उतारना है, और इसको करने में भी दिक्कत हो जाएगी। इसको करने में दिक्कत नहीं जाएगी, वही तो प्रोग्रामिंग में नहीं, दिक्कत बहुत जाएगी। जनता क्यों जाएगी? क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस नेगेटिव है। हाँ, उनके पैरों में बीमारी फटी हुई है। राइट, उन्हें आज के सिस्टम ने शोषण किया है, धोखा दिया है, मूर्ख बनाया है, और वो सभी लोगों ने बनाया है। राइट, लोगों को प्रताड़ित किया गया है। अब ये बताइए कि जो जो जिस चीज की समृद्धि में पैदा कर रहा है, उसी को आप जो है ना गुनाहगार के बतौर ट्रीट करते हो। जो व्यापारी क्लास जो है, जो पूरा जो है समृद्धि ला रहा है, उसको जो है आप चोर के अलावा कोई नहीं देखते। नहीं, आप उसको बेइज्जती से देखते हो, आप उसको टैक्स जो है ना चोरी करने वाले के रूप में देखते हो, सिस्टम खराब बनाते हो। जब भी आपको मौका मिल जाता है तो आप रेड करके जो है उसका अकाउंट सीज कर देते हो, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर देते हो, उसे जो है ना आप जो है बैंकरप्ट होने के लिए मजबूर कर देते हो। बराबर है, नहीं कर देते भी होगा तो करप्ट होने की करेगा, मैं क्या करूंगा? नहीं, वो तो टूट ही जाता है, कई लोग तो टूट जाते हैं, आप ही तय कर लेते हैं। कर लेते हैं, कॉफी वाला है ना जिसने किया इनकम। अरे हजारों लोग हैं, हजारों लोग, क्यों? क्योंकि जो आपके लिए एसेट क्रिएट कर रहा है, आप तो आप जो है ना लॉर्ड बन रहे हैं उनके ऊपर। अरे आपने क्या कंट्रीब्यूट किया जो लॉर्ड बन रहे हैं? सही बात, आप जो है ना उल्टे में जो है ना रिश्वत मांगते हैं, रेंट सीकिंग बिहेवियर करते हैं,
और अपने आप को महान कहलाते हैं, अपने आप को लॉर्ड कहते हैं। तो इसलिए जो है शैलेश जी, हमने ये तय किया है कि हम व्यवस्था को अपने मॉडल के तहत बनाएंगे। यदि हम ज्ञान देके आपको कहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कई चीजों में जो है वो चीज जमीन पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, नहीं करेगी। जैसे रूम करिए कि आपको कोई मशीनरी और इक्विपमेंट चाहिए, आप वर्टिकल कल्टीवेशन की आप बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल कल्टीवेशन के लिए कहाँ से लाएंगे आप? आप जैसे रूम करिए, हम हर खेत में एक 10 फीट 11 ट्रंच खोदने वाले हैं, राइट? हाँ, वो एक्वा कल्चर के लिए यूज होगा, और एक्वा कल्चर से ज्यादा जो है ना वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज होगा। उससे खेत में चारों तरफ जो है पेड़ रहेंगे, हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स रहेंगे, आपके मेडिसिनल प्लांट रहेंगे, एरोमेटिक प्लांट्स रहेंगे, फॉडर प्लांट्स रहेंगे, राइट? और उनकी जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज है उसको हम कट करके ऊपर ले जाना चाहेंगे, जिससे हमें वर्टिकल कल्टीवेशन के लिए जगह मिले, नंबर वन, ठीक है ना। और दूसरा जो है, जब पेड़ ऊपर हम भेजेंगे तो उसकी जड़ें नीचे जाएंगी, उस पेड़ का वजन संभालने के लिए जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएगी। तो हमारा जो एक्वा कल्चर के लिए हमने ट्रेंच डाला है, उसका पानी बहुत सपाटे से नीचे जाएगा, तो हमें आने वाले 3 साल में वो पानी जो है दोबारा 8 से 10 फीट से लाना है। आएगा ये तो, राइट? राइट, आ जाएगा। हाँ, इससे आ जाएगा। हाँ, अब उसमें सवाल ये है कि उसकी जो साइड की जो है, मतलब जो ट्रंच खोदेंगे वो वी शेप में होगा, राइट? वो उसकी मिट्टी घुल के पैदा समस्या पैदा ना करे, तो क्या हम उसे उसके लिए कोई कंप्रेशन मशीन का यूज करें, ठीक है ना? क्या हम उसके लिए वो भी कर सकते हैं, क्या मिट्टी की टाइल्स बना दें और इंटरलॉकिंग की उसमें व्यवस्था हो, और बस एक के ऊपर एक टाइल रखते जाएं, तो एक रीजनेबली उसके नीचे मिट्टी बनी रहेगी, पानी को नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक अच्छी सरफेस क्रिएट हो जाएगी। और इन द प्रोसेस उनके ईटों उनके लिए नेशनल डिमांड पैदा होगी, तो एक अपने आप में एक बड़ा व्यवसाय बन जाएगा। इसके लिए मेरे ध्यान में जो चीज थी कि हर गांव के अंदर में हम एक पठार ऊंचा हिस्सा होता है लगभग, या कोई भी ऊंचा हिस्सा रहेगा, गांव के चारों तरफ में हम जैसी नहर बनती है उस प्रकार की नहर एक क्रिएट करें, उसकी मिट्टी को हम देखो अभी आप गांव को भूल जाओ, अभी तो आप खेत की बात करो, अभी आप खेत की बात करो, तो आपको वही बता रहा हूँ मैं, खेत में ही पानी के लिए जो सबसे बेस्ट सिस्टम मेरे दिमाग में आया, मैं आपको क्योंकि आपने जो देखिए जो आपकी बात है उसको जो ना हटके जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। हमारी प्लानिंग ये है कि खेत में चारों तरफ 10 फीट गहरा एक गड्ढा होगा, राइट? हर खेत में? हाँ, हर बड़े खेत में। हाँ, छोटे खेत में तो फिर वो अति गड्ढा ही खोदेंगे तो और जगह नहीं बचेगी ना। हाँ, बराबर है। तो बड़े खेत में जो है ना गड्ढा होगा, और ये जो है ट्रंच एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, पाइप बड़े मिट्टी के पाइप भी बना रहे आपस में, और ये आपस में जुड़ के जो है चाहे नहर से जुड़ेंगे या नदी के पॉइंट से जुड़ेंगे, जिससे वहां पर लगातार पानी आता रहे। फिर अपन बाद में भी जरूरत पड़ी तो, चूंकि हम इतनी एनर्जी इसमें खुद क्रिएट कर रहे हैं, एथेनॉल ये वो सोलर एनर्जी, तो हम जहां पे पानी ऊपर ले आएंगे वहां पे हम अंडरग्राउंड वाटर को भी डिक करके जो है ना दोबारा डाल देंगे। ये भी कर सकते हैं सर, और सबसे बेस्ट तरीका जो होना चाहिए, जो मेरे को समझ में आया, कि हमने गांव के किसी भी गांव के पूरा एक राउंड सराउंड में हमने जब एक नहर जैसी बना दी, मतलब वो आप देखो 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 और वो पानी देखो उसको वैसा नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है ना पानी खेत में ऊपर लाना है, और उससे नहीं नहीं उससे एक गांव में एक करने से काम बनेगा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि जितने भी बड़े खेत होंगे उनमें सेपरेट कर देना, तो वहां से जो है ना पानी ले सकेंगे बाद में, तो एक्वाकल्चर के काम आएगा, पानी लेना हो तो पानी ले पाएंगे, हमारा 100% इरिगेटेड हो जाएगा। अच्छा, फिर हम उसको राहत आहत से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इतने संख्या में हम गाय रखेंगे और बैल रखेंगे तो जो है 8-10 फीट पे वो होगा, तो पानी हम जो है ना ट्यूबवेल से क्यों निकालें, हम राहत से निकालेंगे, बराबर जरूरत नहीं पड़ेगी ट्यूबवेल की। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हम उससे निकालेंगे। तो इसमें जो है मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है
कोई जिम्मेवारी संभालो, और फिर जो है हमें देखो हर काम के लिए एक टीम बनाना पड़ेगी, राइट। तो हर डायमेंशन में मुझे एक नेशनल प्रेसिडेंट घोषित करना, जैसे आज मैंने एक एल्डरली केयर का जो है नेशनल प्रेसिडेंट अपने ही एक आईएएस हमारे बैचमेट है मिस्टर सुनील गुलाटी को मैंने आज उनको जो कि स्टेट हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट है फॉर क्राइम फ्री भारत, राइट, उन्हें मैंने नेशनल प्रेसिडेंट घोषित किया है फॉर एल्डरली केयर, राइट। अब वो जो है हर राज्य में स्टेट प्रेसिडेंट घोषित करेंगे और हम उनके लिए एक मॉडल लेके आ रहे हैं कि हमारा जो है जो बंधन का कारण है कि हम अपने बच्चों से बहुत अपेक्षा कर रहे हैं, राइट राइट। और बच्चों ने जो आपको आपने दिया वो बच्चा उसका चौधरी बन गया है, ना तो मकान उसका है ना बिजनेस उसका है, तो हम क्यों ये प्रतिज्ञा ना लें कि हम जो है अपने रहते ना तो अपना बिजनेस देंगे ना अपना पैसा देंगे, कुछ नहीं देंगे तेरे को, हम तेरे को वसीयत लिखेंगे, राइट। अब हमारा बिजनेस तुम करोगे तो हम उसमें तुमको मैनेजर की पद वो देंगे, राइट, एंड आई विल गिव यू द शेयर के आप जो ना 10% का शेयर है आपका। अब अभी क्या हो रहा है कि वो जो है जब सब चौधरी बन गया है तो उसकी पत्नी फसल से आपको मालट्रीट करने लग जाती है, वो आपको लगती है अरे आप तो जो है ना बेकार के आदमी हो गए हैं। और स्पेशली जहां पे हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं वहां पे स्थिति बहुत खराब है, बराबर है। और जहां पे जो है जो बहू रानियां आई हैं, जहां बहू रानियों के जो है ना माँ बाप ने उनको गलत संस्कार देके भेजा है, तो वो देव अंश ही जुगाड़ में आती है कि कैसे माँ बाप को किनारे किया जाए। इतनी ज्यादा गहरी सोच से आती है, नहीं आती होगी कि माँ बाप को डे वन से किनारे किया जाए। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं डे वन से सोच के आ रही हैं या 14 बाद सोच ले रही हैं या 3 साल बाद सोच रही हैं, हम ये कह रहे हैं हमारी कुगति किसी के हाथ में क्यों होना चाहिए। जब आपने अपनी जिंदगी में इतनी एसेट क्रिएट की हुई है उस एसेट का इंटरेस्ट शुड बी गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ यू एंड लिव लाइक ए लॉर्ड। बेसिकली आपके एसेट तो बच्चे ही, जो आपका जो आपके थॉट है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बच्चों को एसेट मत मानो, हर व्यक्ति हर आत्मा अपने काम से यहाँ आई है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो अपने आपके काम से नहीं आई है, नहीं आई, हर हर आत्मा की अपनी जर्नी है, राइट। बिल्कुल सही है, तो उसे आप अपनी एसेट क्यों मान रहे हैं, उसे ईश्वर की एसेट मानो ना। हाँ उसको अब आप एसेट अपनी नहीं समझे, आप उसको अपने एसेट बिल्कुल मत मानो, आप उसको अपना उसमें मैनेजर डिक्लेयर करो ना कि हम तुमको 20% पत्ती में अपने यहाँ पे मैनेजर डिक्लेयर करते हैं। ये भी हो सकता है, अच्छा नहीं, क्योंकि क्योंकि जानते क्या है, कल तक आप दाता हैं तो आप जो है ना को सिर पे बिठाया जा रहा है, और ये अर्थयुग है जब आप दाता नहीं रहे तो आपको मालट्रीट किया जा रहा है। अच्छा आप जो है ना अपने बच्चों के बारे में किसके सामने जाके रोए, तो आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हो, तो आप कह नहीं पा रहे हो तो आपका दिल और ज्यादा जो है ना परेशान है, राइट। बराबर, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब फिर किसी से आप शेयर करते हो कि आप क्या करें, तब तक जो ना सब खत्म हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि आप अभी दे रहे हो तो देर में भी सम टैक्स रिलेटेड और बाकी रिलेटेड भी जो है ना कम्प्लिकेशन हो, कहीं पर जो है ना यदि आप प्रॉपर्टी को उसके नाम कर दे रहे हो तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। बराबर, तो आप उसको वसीयत के माध्यम से करो ना, यदि आप उनके रंग ढंग में कुछ भी परिवर्तन लाओ देखोगे तो बदल दो वसीयत। और अपने यहाँ पर एक वृद्ध आश्रम का रखा गया है कॉन्सेप्ट, राइट, तो हम क्यों ना जो है जो बड़े घर हैं और जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं उनको वृद्धाश्रम बना दें, तो जो लोग अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं है वो वहां जाके रहें एंड उनके लिए जो है एक हॉलिस्टिक लाइफ दी जाए, जो बीमार हो उनको स्वस्थ करके फिर से जो है उनके जीवन में संजीवनी पैदा की जाए जिससे वो कंट्रीब्यूट कर सकें और शमशान घाट में जाने के पहले तक वो पूरे चलते फिरते व्यक्ति रहे। हाँ, खुद को पहचाने वो जीवन में क्यों आए। हाँ, वो जो है बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं आए, ये बात ध्यान रखना, हर आत्मा की अपनी जर्नी है, आप अपनी जर्नी पहचानिए। बराबर, अपनी जर्नी समझ में आना चाहिए जीवन के अंदर में कि मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, ये समझ करके जाएगा तो
इतना लंबा जो चलता आ रहा है, इतने चेहरे बदलते बदलते सैकड़ों सालों से हजारों सालों से जो आ रहा है, उसको वो पहचान लेगा तो पा लेगा एक दो चार। और फिर हम जो है जो उस समय का जो वनप्रस्थ आश्रम होता था, अब पहले तो वन हुआ करते थे तो आप वन में चले जाते थे, अब तो वन है नहीं, तो हम यहीं पे अपने वृद्धाश्रम बनाए ना, अपना वनप्रस्थ आश्रम बनाए ना, उनको वृद्धाश्रम भी क्यों कहे, वनप्रस्थ आश्रम कहे, वनप्रस्थ आश्रम कहे उसको, वृद्धाश्रम ज्यादा बेटर। चलिए आज से हमने वर्ड बदल दिया है, अब हम वृद्धाश्रम भी कहेंगे, वनप्रस्थ आश्रम कहेंगे। मतलब आपने अपने फैमिली को छोड़ दिया है, नाउ यू आर लिविंग कलेक्टिवली। तो ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, सैकड़ों घर हैं जो कि जिनके जो है ना पेरेंट्स विदेश में चले गए हैं, उन सबको जो है वनप्रस्थ आश्रम बना दिया जाए, और वहां पर जो जो अटेंशन वहां चाहिए वो, और जो वो उनको बाहर ले जाकर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव की जाए, उनको योगा स्पिरिचुअल लॉन्गेविटी कैसे लाई जाए, जो बीमार लोग हैं उनको कैसे अपन ठीक करके, क्योंकि उनकी बीमारी तो दवाइयों के कारण है। हाँ, दवाइयों से बीमार है राइट, तो वो दवाइयां तो दवाइयों से जो है ना से उनको हम राहत दिला के उनको लॉन्गेविटी वाले पाथ पर ले जाए, उनको इंटीग्रेटेड पैथी का एडवांटेज है, और उन्हें पास पैसों की कमी नहीं है, लिहाजा पैसे पैसे को खूब जोर से सर्कुलेट किया जाए, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। बराबर, और पैसा अपन को सिर पे रखकर तो ले नहीं जाना है, कोई ले आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपके शरीर का तो धागा भी काट लिया जाता है, काट लिया जाता कि नहीं काट लिया जाता? हाँ बराबर है, धागा भी नहीं छोड़ा जाता आखिरी में, ठीक है ना। तो वो इसलिए नहीं छोड़ा जाता है कि आपको बताने के लिए कि आपका धागा भी आपके शरीर के साथ नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो फिर ये जो है वेल्थ को हम ऐसा इस रूप में क्रिएट कर दें कि हमारे लिए भी वेल्थ रहे, हमारे जाने के बाद भी वो वेल्थ सोसाइटी के लिए काम। बिल्कुल, और हम हमारे जो बच्चे हैं वो खुद एसेट क्रिएट करके इसी मॉडल में आगे बढ़े। बराबर, देखिए उस समय के ऋषियों और मुनियों ने उस समय जो ज्ञान आवश्यकता था वो दिया, आज का ज्ञान जो मैथिली शरण ग्रुप दे रहे हैं वो है आज का ज्ञान। बराबर है, नहीं आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? अब ज्ञान तो एक ही है जो उस समय में दिया गया और जो आज दिया जा रहा है। नहीं, देखिए उसका मैनिफेस्टेशन अलग हो जाएगा ना, जैसे वो पहले वन में चले जाते थे, अब वन तो है नहीं, तो अब अपन जो है ना वो वन से ज्यादा अच्छा सहूलियत से प्रोडक्टिव एंड सेटिस्फाइंग जो है ना एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मेजर पार्ट इज द सेटिस्फेक्शन, आपका जीवन का सबसे मेजर पार्ट हर इंसान का एक ही है, वो है सेटिस्फेक्शन। नहीं, लेकिन यदि अपन वानप्रस्थ आश्रम जो है बाय फर्स्ट एंटीसिपेटिंग कि आपकी आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, तो आपकी फिजिकल नीड, आपकी जो है ना हेल्थ नीड, आपकी सोशल नीड, आपकी एंटरटेनमेंट नीड, आपकी स्पिरिचुअल नीड एंड आपका जो है ना वेल्थ क्रिएशन नीड, यदि इन सबको हम वहां पर जोड़ के यदि आपके लिए इको सिस्टम क्रिएट कर देंगे तो फिर लास्ट डे यू विल बी लिविंग लाइक ए लॉर्ड। और जो बच्चे हैं वो वानप्रस्थ आश्रम में तो जाके अपने पेरेंट्स से मिल नहीं सकते थे, यहाँ तो वानप्रस्थ आश्रम का जो है पता भी मालूम है, संस्कारी बच्चे होंगे तो आपके पेरेंट्स उन्हें आ जाएंगे, और यदि नहीं आते हैं तो बाहर में जाएं, आएंगे अभी नहीं आएंगे तो कुछ समय बाद आएंगे, लेकिन अगर हम सही लाइन देखो जब आप उनके दाता बने रहेंगे तो कैसे नहीं आएंगे वो। यदि वो 20% के मैनेजर है या 30% के मैनेजर है तो 70% तो एसेट आपके पास है, आप जब तक दाता रहेंगे तो आपके पैर पे छूने आएंगे, यदि आपके पैर छूने नहीं आएंगे तो अर्थ के पैर छूने आएंगे, धन के पैर छूने आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या है जब आप उसको 20% का पार्टनर बनाते हैं, हाँ जब आप उसको 20% का पार्टनर बनाते हैं तो जिस किसी दिन भी उसके दिमाग के अंदर में आए तो ये यहाँ के 20% देने के बजाय मैं अपना 100% ये यहाँ निकालू, तो वो आपसे अलग होगा, आपसे अलग होकर के फिर वो आपको भी नहीं, वो कुछ नहीं अलग होगा, उसे मालूम है कि वसीयत भी उसके नाम पे है, सब कुछ उसके नाम पे है, तो साला जो है ना अलग निकल के क्यों करें हम जो है ना इसी को बाद में तो हमें ही को मिलना है। ये देखिए मैं अभी आप जो वानप्रस्थ आश्रम का आनंद ले रहा हूँ मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ 2 मिनट के लिए। ओके, मैं अभी लास्ट चुनाव लड़ने के 6 साल पहले चुनाव लड़ा था, तब से अभी जो बदलाव आया है मेरे अंदर में मैं वो देख रहा हूँ कि मैं आज की तारीख में अपने घर में ही वानप्रस्थ आश्रम का आनंद ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, अपने ही घर में, न मेरे को किसी असेट से मतलब है,
मैंने वाइफ के नाम पे कर दिया कि जो तुम्हारे को बेचना है जो करना है सब करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो तुम करोगे अच्छा करोगे। बच्चों के नाम पे शेयर्स है फैक्ट्री के, जैसा आपने बोला वैसे शेयर्स हैं बच्चों के नाम पे, उनको उस शेयर से मतलब नहीं है। वाइफ जो कर रही उसमें नुकसान भी हो रहा है, तो मैं उस नुकसान लास्ट पिछले 4 सालों के अंदर में मेरे को 5 से 6 करोड़ का नुकसान हुआ होगा, जो मैं नहीं कमाया, जो कमाता था वो कमाया नहीं। लेकिन मैं उसको भी उससे इस भाव से देख रहा हूँ कि यार जो है वो सामने में है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे अंदर में कैलिबर है, मैं एक नहीं 100 कारखाने 1000 कारखाने खड़े कर सकता हूँ अगर एक में स्टैंड हो गया, क्योंकि एक में स्टैंड नहीं होने देने के लिए मेरे साथ मेरे नहीं, 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 नहीं। देखिए जब आदि अज्यूम करिए जो आपका है ये हमारा जो वानप्रस्थ आश्रम है वो डिफरेंट टाइप का होगा। मेरा ये कहना है कि जब आप चलते फिरते फर्स्ट क्लास, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप 10 मिनट जो है अपने शेयर पे तो जो है ना नजर रखो ना, आप जो है ना यू कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट सो दैट जो है ना वो लॉस होने की स्थिति क्यों बन गई। लॉस और प्रॉफिट जिंदगी के अंदर में कुछ नहीं होता साहब, सबसे बड़ा होता है आदमी के अंदर का सेटिस्फेक्शन। जैसे मेरे को ये मेरे को मालूम है, हाँ तो ये देखिए सेटिस्फेक्शन भी मिले, लाभ भी मिले, सोसाइटी को भी लाभ मिले, बेटर लिविंग कंडीशन पैदा हो, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। व्हाई यू वांट टू कंसोल कि भाई नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं है, नुकसान क्यों होना चाहिए? देन यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, इसका मतलब है या तो किसी ने बदमाशी की या नहीं तो कुछ हमने गलत एक्टिविटी की है। यदि हमने एंड टू एंड सोल्यूशन बनाया है तो नुकसान के लिए, देखिए सिस्टम में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, इवन आपका जो आपका एक्सक्रीटा है दैट कुड बी बिगेस्ट चैलेंज। अब हमने साला उसमें केमिकल संडास में डाल के उसको बदबूदार कर दिया है, उसको बेकार कर दिया है। यदि आज हम जो है उसकी जगह ऑर्गेनिक चीजें डालें सफाई के लिए और उसकी जगह उसमें एंजाइम डाल दें तो ना बदबू रहेगी, सफाई रहेगी और जो बाहर निकल के जाएगा वो इतनी बड़ी एसेट होगी। बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान समस्याएं हैं वो क्योंकि पार्ट सॉल्यूशन प्लान किया गया है और दूसरा से प्लान किया गया है इसलिए वो समस्याएं हैं, अदरवाइज कोई भी चीज वेस्ट है ही नहीं। इस दुनिया में कोई वेस्ट नहीं है और कभी लॉस नहीं है, कभी जीवन में लॉस तो आप नहीं। तो आप ये बताइए जब चीज कोई वेस्ट नहीं है तो इतनी सारी समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? समस्या जो है ना प्लास्टिक क्यों पैदा, जिस समय प्लास्टिक एज ए वेस्ट क्यों पैदा हो रहा है, प्लास्टिक एज ए रिसोर्स क्यों पैदा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एज ए वेस्ट क्यों और जो है ना डेंजरस वेस्ट के तौर क्यों पैदा हो रहे हैं? व्हाई दे आर नॉट रिकलेक्टेड मटेरियल रिट्रीव्ड एंड कैन बी यूज फॉर द बेटर पर्पस। बराबर है। नहीं वो तो अब चालू हो गया, यूज चालू हो गया। नहीं वो भी जो है ना देखो जो सोचोगे वो आप डिजाइन कर पाओगे क्योंकि आप होलिस्टिक सॉल्यूशन सोच ही नहीं रहे हो। जैसे मैं यदि आप होलिस्टिक सॉल्यूशन सोचेंगे तो होलिस्टिक सॉल्यूशन सामने आएगा, यदि आप पार्ट सॉल्यूशन सोचेंगे तो पार्ट आंसर सामने आएगा। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पूरे इकोसिस्टम को पूरे साइकिल को कंप्लीट ही नहीं करते हैं, साइकिल को डिजाइन। हम एक छोटे से पार्ट को लेते हैं और उस छोटे पार्ट का सोल्यूशन है और अपने बाय बाय करते हैं, अपने फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि वो आपका पार्ट सोल्यूशन है, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर बिकॉज आपने उसको एंड टू एंड लास्ट तक साइकिल में ले नहीं गए आप उसको। ये वही हो गया कि पेट को ठीक करने के बजाय आप लीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हो और किडनी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपको बेसिक पेट का ट्रीटमेंट करना चाहिए जो हमेशा अच्छा ही है। हाँ, ना किडनी का प्रॉब्लम आएगा ना लीवर का आएगा ना हार्ट का आएगा। आप पेट का ट्रीटमेंट करेंगे और बाकी जो है ना ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का जो साथ में जो है ना उपाय करेंगे तो वो तो कभी खराब उनकी ट्रीटमेंट की नौबत ही नहीं आएगी। नहीं आएगी, वो तो पेट सही रहेगा तो बाकी ऑर्गन ऑटोमेटिकली सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि यदि आपकी सोच रहेगी, जैसे आप संताप में हैं, आप चाहे किसी भी तरीके के संताप में हो, चाहे बच्चों के कारण हो, चाहे लॉस के कारण हो, चाहे बिजनेस के कारण हो, चाहे आपके ऊपर जो है ना किसी ने कर दिया, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, जब आप उस संताप को अपने अपने अंदर समेटे हुए हैं तब तक इट इज क्रिएटिंग न्यू एनर्जी एंड डिसीजन इन साइड यू। यस, वही बीमारी कारण, वो भी बीमारी कारण। हाँ, तो हम वो जो हम उसको तो दूर नहीं कर रहे हैं, दवाइयाँ खाना चाह रहे हैं। सही है, दवाइयों से ठीक होने वाला है नहीं। नहीं, दवाइयों से ठीक होगा
यदि वो दम के कारण हुआ है तो, राइट। नंबर वन। नंबर टू है कि जो आप दवाइयां खा रहे हो वो उनके साथ इतना साइड इफेक्ट है कि वो यदि मान लो आप एक चीज की दवा खा रहे हैं तो वो लीवर की प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, किडनी की प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, किडनी पे लोड क्रिएट कर रही है, आपका जो है ना आपके सेल के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो आपको कैंसर हो जाएगा। बराबर है। तो आप दवाइयां ही बीमारियों को बढ़ा रही है और कुछ नहीं है, वो दवाइयां। वेरी ट्रू, 200% सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ए टाइम हैज कम कि एलोपैथी शुड बिकम ए साइंस ऑफ इमरजेंसी, नंबर वन। नंबर टू, आप कोई भी मेडिसिन बिना एविडेंस बेस नहीं देंगे, प्रिकॉशनरी आप मेडिसिन नहीं देंगे, आप कोई भी एंटीबायोटिक तब तक नहीं देंगे जब तक देर प्रूफ दैट देर इन्फेक्शन। बराबर, सही है। अभी आप जो है हमको इसलिए एंटीबायोटिक दे रहे हो और एक ऐसे साथ जो हम प्रोएक्टिव दे रहे हैं, प्रिवेंटिव दे रहे हैं, जिससे कि आपकी दवाइयां ज्यादा बिके और आपको ज्यादा कमीशन मिले। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपने लोगों का बीपी, WHO ने बीपी का रेशो अभी और कम कर दिया था, उसने कर दिया था 73, नीचे वाला 73 और ऊपर वाला भी 7 पॉइंट कम किया, 113। तो हिंदुस्तान का क्या, पूरे वर्ल्ड का हर आदमी बीपी के प्रॉब्लम में, क्योंकि जब आप नॉर्मल से नीचे कर देंगे तो अपने आप आपका तो नॉर्मल पे भी रहेगा, तो भी आप बीपी में कहलाएंगे ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा तो 220 और 120 रहा है, मतलब कई दिनों तक रहा है, और मैं 5 महीने की दवाई नहीं लेता तो मेरा तो ब्रेन फट जाना चाहिए, मेरा ब्रेन तो फट जाना चाहिए। नहीं, वो भी आपको जो है ना, जैसे आपको अर्जुन की छाल वगैरह लेकर उसे कंट्रोल में लेना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप उसे इग्नोर करें। सर, हर आप खुद ही बोल रहे हैं कि हर आत्मा अलग अलग है, जो अलग अलग है उसकी कैपेसिटी अलग है। नहीं, उसकी कैपेसिटी तो अलग है, डॉक्टर के पैरामीटर से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये गलत है। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं यदि साथ में आप एलोपैथिक की बजाय यदि आप ऑर्गेनिक चीजें और आप आयुर्वेदिक चीजें यदि आप लेते हैं, एंड जो एक्स्ट्रा बर्डन आपकी बॉडी पे पड़ रहा है यदि वो कम किया जा सकता है तो आप उसे कम करने में रुचि क्यों नहीं है। मैं मेरे को आप बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को रुचि क्यों नहीं है। मैं किसी टाइप के कोई पैरामीटर नहीं देखता, क्योंकि पैरामीटर हमारे को बांधते हैं। मैं 220 का बीपी है मेरा, तो तुरंत चेक करवाया घर वालों ने, पूरे घर वाले मेरे परेशान, क्योंकि 220 का बीपी देखा, 120 देखा तो सब घबरा गए कि क्या है, तो चेक करवाया तो शुगर 450, कोलेस्ट्रॉल 395। तो एक साथ इतनी सारी चीजों के पैरामीटर मेरे बिगड़े हुए। मैं तो आज भी कोई दवा नहीं लेता। उसके कोरोना जिस समय आया था उसके जस्ट 3 महीने पहले मैंने चेक करवाया था, लास्ट मार्च में कोरोना का हमारा लॉकडाउन लगा था, उसी साल दिसंबर में मैंने चेक कराया था, तो मेरे को ये सारी चीजें दिखी, लेकिन तब भी मैं दवाई नहीं लेता, तो मेरा मेरे को तो रहने नहीं चाहिए दुनिया के अंदर में। मेरा ये कहना नहीं, मेरा दूसरा कहना है, मेरे तो पूरे ऑर्गन खत्म हो जाना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं, मेरे तो ऑर्गन। लेकिन 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 अभी आपकी बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है या बिना किसी नुकसान को पहुंचाए, यदि उसे आप उस स्ट्रेस को कम कर सकें और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, आपकी एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सके, एंड इफ यू कैन कुड लिव लॉन्गर, तो इसमें आपको क्या कष्ट है। नहीं, मेरे को उससे तकलीफ नहीं, लेकिन मैं अपने ब्रेन को फ्री करके, आप ब्रेन को फ्री रखिए। आप दो चार जो है ना औषधि यदि आप लेते हैं जो कि आपकी लॉन्गेविटी को भी बढ़ाए, जो इन सब चीजों को बैलेंस करे, जो बात पित्त कफ को जो है ना बैलेंस करे, तो आपके पेट में दर्द क्यों है। मेरा कहना है जब आदमी को, इंसान को ईश्वर, आप हमारे शरीर को ही तो नहीं समझे, हमारा जो शरीर ईश्वर ने जो अरे भाई आप अरे पहले जी यदि इसकी जरूरत नहीं होती तो कितने हजार साल पहले चरक संहिता क्यों आई जी? जो है ना बागपत जो है ना ऋषि क्यों आया, उन्होंने सारे जो है ना सिद्धांत क्यों दिए, चरक संहिता क्यों आई। तो मेरा ये कहना है हमने अपने ब्रेन पर काम नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन पे भी काम कर लो जो आपसे बनता है मेडिटेशन के द्वारा, अपनाने के द्वारा, उसके साथ यदि आप शरीर को भी अच्छी हेल्दी मेडिसिन से उसे और प्यूरिफाई कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इट कुड इम्प्रूव, तो मुझे लगता है कि आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए।
यदि आपको लाभ ही लाभ है और फिर आपको आपत्ति है, इसका मतलब है कि आपके नॉर्मल सेंसेस कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे। यदि आपको नुकसान नहीं है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने ब्रेन पे काम मत करिए, आप आराधना करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, तो शरीर पे भी काम हो जाएगा, ब्रेन पे भी काम, बिल्कुल ब्रेन पे भी काम हो जाएगा। योगा तो बोला ही हुआ है, योगा तो बोला ही हुआ है कि भाई योगा और मेडिटेशन, ये दो चीजों से तो आपको जरूरत, बाकी तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, आपको भोजन की भी उतनी। हम ये कह रहे हैं कि बाकी चीजें भी यदि सम भाव में सम पहुंच जाए, विच कुड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ लिटिल बेटर, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे अपने पेट में क्यों दर्द होना चाहिए? हाँ, तो फिर यदि आपकी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आज आप जी रहे हैं बाय एडिंग सम मोर वैल्यू टू योर लाइफ, यदि इससे आपका फिजिकल एक्सपीरियंस यदि बदल जाता है, आपको जो है ना ब्लड प्रेशर ब्लोकेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है ना ब्लोकेट हो जाता है, तो आपको उसमें क्यों आपत्ति होना चाहिए? होना चाहिए आपको? नहीं होना चाहिए। तो बस बस यही मेरा इतना कहना है। तो चलिए हम लोग जो है, आप मैं बताता हूँ, आप कल, मैं आपसे कल बात करूंगा आफ्टरनून में या जो भी आपको समय कन्वीनियंट हो, और वो लिंक के माध्यम से अपन बात करेंगे, और आपके जो एग्रीकल्चर के बारे में जितने भी आइडियाज हैं उनको आप क्रॉफ्ट पेन से लिख लीजिए, हम एक एक करके उसे कवर करेंगे, ठीक है ना? और उनको जो है ना, जो आपके आइडियाज हैं उनको आपके तरीके से कहीं हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको हम क्राइम फ्री भारत के जो लार्जर कॉस्मिक विजन है उसमें इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि सामने वाला अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस करे, उसकी जितनी भी अलाय बलाय हैं वो दे शुड बिकम द बॉदरेशन ऑफ क्राइम फ्री एंड क्राइम फ्री भारत विद बी पार्टनर विद नाल सीएफबी एफपीओज एंड एवरीबडी, इट इज ए पार्टनर इन विद द फार्मर्स, इट इज पार्टनर विद द ट्रांसपोर्टर, इट पार्टनर विद द वेयर हाउसिंग वाला, इट इज पार्टनर विद द रिटेलर एंड होलसेलर, सारे पार्टनर है ना, सारे के सारे पार्टनर है आपके साथ, पूरा इकोसिस्टम पार्टनरशिप में रहेगा, और जो अभी अनड्यू चीजें हो रही हैं वो अनड्यू को बैलेंस में ले आया जाएगा, हर किसी की ग्रोथ होगी, हर कोई जो आज जितना कमा पा रहा है आज उससे ज्यादा कमा पाएगा, बट विदाउट कॉजिंग लॉस टू समवन एल्स। अभी जो है हम जो है दूसरे की कॉस्ट पर धनी बन रहे हैं, फिर हम एब्सोल्यूट कॉस्ट पर धनी बनेंगे, हम में से हर कोई धनी होगा, हर कोई वेल्दी होगा, बराबर है, राइट? तो कल बात करेंगे, टाइम आप बताओ कौन सा टाइम भेजता हूँ आपको, एक बार लिखा हुआ मैं भेजता हूँ पहले, आप ना भेजो तो आप अपने पास रख लीजिए, अपन तो सीधे बात करेंगे ना, क्या दिक्कत? आपको भेजने के लिए तैयार हो जाए तो भेज भी दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आवश्यकता नहीं है। आप बताओ समय कल का क्या रखा जाए, जो आपको सूट करे, फिर भी जो आपका जो है योगा मेडिटेशन सब चीज, सो वी विल बी टॉकिंग एट 11 o'clock टुमारो, ओके डन, ओके डन, ग्रेट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।